और क्या हाल चाल है मेरे शेयर लोग, सब कुछ बढ़िया ना? तो भाई लोग आप मुझे ये बताइए कि अभी कौन सा साल चल रहा है? 2022 ना? हाँ, इतना क्या गिन रहा था तू? नहीं वो कुछ नहीं, तू बोल। अबे साल क्या, छोड़िए। 2022 में आके भी अभी भी बहुत सारे ऐसे अफवाहें हैं टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो कि लोग अभी भी मानते हैं, उसी के ऊपर है आज का वीडियो। और आप ये वीडियो कंप्लीटली देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनमें से आप कितने मानते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। खैर एक छोटा सा इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद तो वीडियो स्टार्ट हो ही जाएगा, है ना? लगाओ। तो नंबर वन, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, हाथ को ऊपर करो। नहीं समझे दोस्तों, आप नॉर्मली बातचीत करते हुए लोगों को ऐसे देखे होंगे, और नेटवर्क ना मिलने पे वो अक्सर हाथ को ऊपर उठा लेते हैं। अरे भाई ऊपर से नेटवर्क आएगा क्या? अरे कुछ कुछ लोग तो इस चक्कर में छत पे भी चढ़ जाते हैं घर के। भाई मेरे, ऐसे नेटवर्क ऊपर से नहीं आता। आपको अगर अच्छी खासी नेटवर्क नहीं मिल रहा, घर से निकलो, नेटवर्क के मतलब जो सिग्नल टावर होता है उसके थोड़ा करीब जाओ तो आ जाएगा नेटवर्क। गलतफहमी नंबर टू, दोस्तों हम अपने फोन को स्क्रैचेस से या फिर हाथ से गिर जाने पे ना टूटे, इस चीज से बचाने के लिए अपने फोन के ऊपर दो चीजें यूज करते हैं। एक तो कवर में डालते हैं, दूसरा करते हैं क्या, स्क्रीन गार्ड लगा लेते हैं। मोटे मोटे गोरिल्ला ग्लास वगैरह जो मिलता है वो लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो रियल टाइम रिजल्ट है वो क्या सही में फोन को बचा पाता है? तो भाई सच्चाई ये है कि आप चाहे कितने भी गोरिल्ला कितने भी पांडा को अपने फोन के ऊपर चिपका ले फोन को सेफ रखने के लिए, वो आपके फोन को कंप्लीटली प्रोटेक्ट कभी नहीं कर पाएगा। रहा बात स्क्रैचेस की, तो दोस्तों यहां पर जहां तक मुझे पता है कि मार्केट में फिलहाल जो स्क्रैच गार्ड्स मिलते हैं वो स्क्रैच रेसिस्टेंस होते हैं, जो कि आपके फोन के डिस्प्ले को स्क्रैचेस से बचाता है। ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि स्क्रैचेस उसके ऊपर नहीं आएगा। अगर आपको कहीं पे स्क्रैच प्रूफ स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाए वो लगाइए, तब जाके आपका फोन मतलब सेफ रहेगा। समझे? एक दो दिन में समझ जाऊंगा। गलतफहमी नंबर थ्री, दोस्तों मोबाइल जब हम खरीदते हैं तो बहुत बार डिफॉल्ट एकदम मोबाइल के साथ ही एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस हमको मोबाइल के साथ दिया जाता है फ्री में, मेरा मतलब पैसे लेके। खैर वही बैक कवर हम थोड़ी दिन यूज करते करते ही वो येलोइश हो जाता है और हमको लगता है सारा इसको क्लीन नहीं किया जा सकता क्या, और हम लग जाते हैं यूट्यूब पे सर्च मारने। उसी चक्कर में हम उसी कवर को टूथपेस्ट, सोडा, कोका कोला, मिंट, जो भी बोला जाता है यूट्यूब के वीडियो में, सब कुछ डाल के देखते हैं, लेकिन कवर बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता। मेरा मतलब क्लीन तो हो जाता है लेकिन येलोइश जो चीज आप उठाने के चक्कर में थे वो क्लीन नहीं होता, और सच्चाई है होगा भी नहीं। वो सूरज का जो अल्ट्रावायलेट रे होता है उसके ऊपर पड़ते पड़ते ये चीज ऐसे येलोइश हो जाती है, और ये कंप्लीटली एकदम नए जैसा कभी नहीं बन सकती। आपको ये अगर येलोइश कवर पसंद नहीं आता, इसको सिंपली फेंक दीजिए डस्टबिन के अंदर और नया वाला एक कवर ले लीजिए। गलतफहमी नंबर फोर, डार्क मोड यूज करने से हमारा फोन का जो बैटरी है वो ज्यादा से ज्यादा बचेगा। अब इसका आंसर थोड़ा बहुत हाँ है, थोड़ा बहुत ना है। अरे कहना क्या चाहते हो? बताता हूँ। देखिए, अगर आपके फोन के डिस्प्ले एमोलेड है तब आपका डार्क मोड यूज करने पे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एमोलेड स्क्रीन के अंदर काला कलर को शो करने के लिए अलग से कलर दिखाना नहीं पड़ता। वो एमोलेड स्क्रीन क्या करता है, पूरा जितने भी पिक्सल है उनको स्विच ऑफ कर देता है, तो अलग से बैटरी कंजम्पशन का कोई जगह ही नहीं बचता। लेकिन अगर आपके फोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले ना होके आईपीएस या फिर टीएफटी डिस्प्ले है तो आपका फोन डार्क मोड पे डालने का आपको इतना कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। ओके, गलतफहमी नंबर फाइव, दोस्तों यहां पर हम में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इंटरनेट जो है वो शायद सैटेलाइट से आ रहा है। कौन है ये लोग? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत सोचते हैं। इंटरनेट का जो सोर्स है वो समंदर है। नहीं समझे? समंदर मतलब समंदर के नीचे से जो एक मोटा सा वायर गया है सारा वर्ल्ड वाइड दुनिया में, उसी से इंटरनेट जो है हम सभी को मिल पाती है। और नंबर सिक्स, हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा डंडा दिखाया जाएगा नेटवर्क का उतना अच्छा नेटवर्क है ना। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये खाली आपके नेटवर्क के स्ट्रेंथ को दिखाता है। बाकी नेटवर्क अच्छा है या नहीं वो डिपेंड करता है आपके फोन के अंदर एक सेटिंग्स रहेगा, मैं बता देता हूं। यहां से यहां से यहां पे जाएंगे तो आपको डीबीएम वैल्यू दिखाया जाएगा। ये डीबीएम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है आपका स्मार्टफोन का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग यही कुछ अफवाहें थे या फिर गलत फहमियां थी जो कि अभी भी हमारे अंदर राज कर रही है। एक आंख काहे दिखा दिया, मैं और वीडियो नहीं बना सकता। तो बस दोस्तों यही तक आज का पूरा वीडियो। वीडियो काम का लगा, कुछ नया जानने के लिए मिला या फिर कुछ भी चीजें रिलेट किया तो जरूर लाइक कर देना, और ऐसे वीडियोस और देखने तो सब्सक्राइब मस्ट है। और ये वाला वीडियो कैसा लगा लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके भी मुझे बताना। बाय।
की 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 की।